आ जाओ जल्दी से आ जाओ आ जाओ। हाँ यमी टू देखा आपने, बोली नहीं बोली, बोलती है अभी देख रहा हूँ, बोलता हूँ यमी टू भाई 3 दिन की मेहनत के बाद जाके ये बोली है। अब जो है ना, वैसे अकेले में बोलती है लेकिन कैमरे के आगे नहीं बोलती, लेकिन आज फाइनली इसने बोल दिया यार। और यकीन करो मेरा दिल इतना खुश हो रहा है ना, मैं अभी ज़्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि ये चुप हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में बोलूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे ऐसे अब गला में। भाई मियामी टू कहाँ जाना मियामी टू ने हमारे कहाँ जाना है? मियामी टू बोलता हमारा गंदा बच्चा ये। और ये देखो ये भी बाहर आ गया। हाँ भाई तुम भी बाहर आ गए, अच्छा जाओ साथ ही बैठ जाओ। ये लो एक मिनट रुको, मैं ये वाला भी गेट, अरे ये तो बंद है, इधर बैठ जाओ, दोनों एक साथ एक ही गेट में बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार आज फाइनली आपके भाई ने बहुत ही जतन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ इनको बोलते हुए रिकॉर्ड कर लिया है ना भाई, ऐसे ही है ना मिट्टू, है ना। आज जो है ना, आज 2-3 दिन हो गए ना, तो आज हमारे साथ थोड़ा सा ये प्रैंक हो गई है, तो इस वजह से इसने आज बोलना शुरू कर दिया है ना, नहीं तो अकेले में बोलती थी मियामी टू चाचू ऐसे ऐसे बोलती है। अभी भी इसने चाचू वर्ड नहीं बोला, लेकिन ये कि मियामी टू जो है ना इसने बोलना शुरू कर दिया। मियामी टू बोल दो एक बार और, बोल के तो दिखा दो एक बार और, नहीं अपनी मर्जी से इसने बोलना है। और आज जो है ना फाइनली हमने ब्राउनी को नहला दिया है, और ये देखें ये धूप में बैठी हुई है भाई, धूप में खड़ी हुई है। हमने इतना जुल्म करा हुआ है ब्राउनी के ऊपर, हमने इतना जुल्म नहीं करा हुआ ब्राउनी। हाँ ओए डर रहे हैं ब्राउनी, डर रहे हैं। ओए अच्छा ब्राउनी से तो मिल लो ब्राउनी से मिल लो। अच्छा ओए हमारे तोतों का रिएक्शन तो देखो आप, ब्राउनी से पता नहीं क्यों इतना घबरा रहे हैं। ब्राउनी ये लो। ओए अच्छा भाई अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा रिलैक्स हो जाओ इधर आ जाओ अपने केज के पास आके यहाँ बैठो ये लो यहाँ पे आ जाओ। हमने अपना एक्वेरियम भी साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक रहा है बिल्कुल। और ये अभी इनके दाने की बारी हो गई, बेचारे भूखे होंगे ना, ये लो खा लो। आ जाओ पानी में छानी मैंने डाल दिया, जल्दी से बाहर आ जाओ और नहा लो। अरे खुल जा सिम। एक तो हमारा ये गेट भी जो है ना ख़राब हो गया है। अब आ जाओ। और हमारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि जो ना ये नए पर निकालती है ना, इसलिए नए पर पुराने पर जो है ना वो झाड़ लें, तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन अब कन्फर्म हो गया ना तो थोड़ा सा जो है ना टेंशन कम हो गई, नहीं तो मैं समझ रहा था शायद इनको कोई और मसला बन गया जो ये अपने पर गिराने लग गया। तो ये अब नए पर निकालेंगे अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से। तो आपका भाई जो है ना सुबह शाम दोपहर 3-4 बार जो है ना आके ये वाली फीमेल पिजन को चेक करता है कि कहीं इसका कोई बेबी निकला हो ना, तो वो कहीं दोबारा से कोई मार ना दे। लेकिन अभी तक इसके पास 3 अंडे पड़े हैं, और अंडे उठा के रख दिए मैंने, तो खैर इसका भी बेबी अभी नहीं निकला और ये वाले का भी नहीं निकला अभी। इनके तो पता नहीं इतना टाइम हो गया अभी तक बेबी नहीं निकला, मुझे समझ नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम से ये इन्होंने अंडे दिए हैं और अभी तक जो है ना इन्होंने जो है ना बच्चे ही नहीं निकाले, समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्यों इन्होंने इतना लेट कर दिया इस बार, वरना पिजन्स के बच्चे जो है ना कम से कम 15-16 दिन में निकल ही जाते हैं। ओए इसको क्या हुआ? मैं अभी अंदर देख रही थी, ये मरा पड़ा था। यार कल ही तो हमने सब देखे थे और आप लोगों को दिखाए भी हैं, कि आप लोगों को मैंने बताया भी था, माशाल्लाह सारे सही थे 16 के 16। और ये देखें कितना बड़ा हो गया यार ये। बाकी सही हैं? कहाँ पर हैं? अंदर पड़े, मेरे को दिखाओ। ये रहे बाकी, ये कैसे मर गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो माशाल्लाह सारे सही हैं, ये देखें माशाल्लाह सारे सही हैं। इनको जो है ना गर्मी में नहीं रखो, यहाँ पे जो है ना हवा में रखो। देखें अब इनकी आंखें खुलने लगी हैं, एक साइड की इसकी भी खुल गई है, इन सब की अब आंखें खुलने लगी हैं ना। तो यार साथ ही इनको जो है ना हवा में रखो, गर्मी में नहीं रखो, हो सकता है कि जो है ना नीचे कहीं दब के मर गया बेचारा। अब धूप आने लग गई और ये बेचारे परेशान हो रहे हैं। इधर आ जाओ पानी है, हाँ पानी तो डाला हुआ शुक्र। और एक काम करो डक्की के घर में चले जाओ, इधर आ जाओ, बाहर तो निकाल नहीं सकता मैं इनको, क्योंकि बाकी जो डक्कियाँ हैं ना हमारी या मुर्गियाँ वो इनको बेचारों को मारेगी, तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि ये डक्की के घर के अंदर रह लें। आ जाओ बाहर, यहाँ से बाहर आ गए ना, अंदर घूमो सुकून से, अंदर बड़ी जगह है।
ये लो लिया आया ये लो पी लो। इनका पानी भी बहुत जल्दी ख़त्म होता है, ये ज़्यादा पानी पीते हैं ये लोग। और अभी तक इन्होंने कोई दोबारा से अंडा दिया नहीं। इन्होंने जो है ना एक अंडा दिया था कल रात के टाइम, मैंने उठाया ना तो वो भी मैंने पिजन के नीचे रख दिया हाथ के हाथ। तो मैंने जो है ना अब ये सोचा हुआ कि जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे ना इस बार बटेर के, तो मैं उनको फ़ौरन से उठा के जो है ना कहीं और शिफ्ट कर दूंगा और इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ तक कि मैंने सोचा है कि फ़ीमेल को भी साथ उठा के जो है ना फ़ीमेल को भी दूसरे केज में शिफ्ट कर दूंगा, मतलब बच्चे और फीमेल एक साथ रहेंगे, क्योंकि फ़ीमेल तो अपने बच्चों को कुछ कहेगी नहीं ना इस वजह से। इधर आ जाओ बच्चों को फीड करा दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चों को कोई मसला बन जाए। पता है ना अभी एक बेबी बनी मर गया हमारा। इधर आ जाओ, इधर से कहीं जाना नहीं, इधर आओ, जाओ अंदर जाओ, जाओ बच्चों को फीड कराओ। बेबी कैसे हैं अंदर सारे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ सही है माशाल्लाह, 6 के 6 सही हैं और सो रहे हैं। फीड करा दो जल्दी से उनको, जाऊनी हमारी थक हार के बैठ गई। कैसा है बच्चा, खुश हो गया? हाँ यार अब तो ये बिल्कुल खुश हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह बाल कैसे उभर के इसके बाहर आ गया है। गाउनी ऐसा चमक रहा हमारा बच्चा, धूप में बैठा हुआ था परेशान हो रहता है। अभी बस सूख गई ना, बाजू में उधर बांध देता हूँ। कहाँ रस्सी ब्राउनी की, कहाँ है ये बंदी भी रस्सी ब्राउनी की, इसको जो है ना छाँव में बांधते हैं। आए तो जा, रुक तो जा, खुल गई हाँ कहाँ जाना है, इधर आओ चारा लेकर आए, आ जाओ आराम से नीचे, चूचू घूम रहे। अरे 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 डकी कुछ नहीं कह रही ब्राउनी, इधर आओ चारा अंदर पड़ा हुआ, अंदर से लेकर आते हैं, जब खोल ही लिया है तो इधर आ जाओ। पीछे ब्राउनी ने पाँव रख दिया, हट जाओ। अरे अब चली ब्राउनी, चलो आ जा भाई साहब। मैं इसको बांध भी देता हूँ ताकि जो है ना ये इधर उधर ना भागे, नहीं तो इसने कूट कूट के जो है ना मर जाना है। वो डकी ने इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलें जी, सबको जो है ना हरा डाल दिया, सब खा रहे हैं पीने में मशरूफ है। भाई अपना अपना ध्यान रखना, हम जा रहे हैं काऊ के पास, आपने जाना है आ जाओ, अगर जाना है तो आ जाओ भाई। मिठू बेटे आपने जाना है, हमारी मिठू वहाँ बैठी हुई है, आपने जाना है तो आ जाओ। ये देखो भाई जाना है इसने, कैसे चुपचाप आई है, नहीं तो वरना गुस्सा करती है। थोड़ा सा आगे हो जाओ, जगह बनाओ ना, उसने भी तो आना है ना हाथ में। आ जाओ भाई। चलें हम जा रहे हैं काऊ के पास, ठीक है आपको भी लेके जाते हैं, अपनी काऊ दिखाते हैं। ब्राउनी से तो आप लोग डरते हो ना, लेकिन काऊ से देखते हैं आप लोग डरते नहीं डरते। भाई मैं तो डरता हूँ काऊ से, तो इनका पता नहीं ये डरते नहीं डरते। चलते हैं, आ गया, गेट खोलो आ जाओ साथ, आ जाओ। नीचे जा रहे हैं हम लोग, है ना भाई, नीचे जा रहे हैं काऊ के पास, वह फ्लाई नहीं करना, डोंट फ्लाई, सही है ना, बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना। आ गए, हाँ भाई, ओए क्या हुआ, ये देखें भाई यहाँ बैठी है हमारी काऊ, और मेरे ख्याल से मिट्टी ला के और डाली है शायद, काफ़ी गंदगी हो गई है, साफ़ करनी पड़ेगी। कुर्सी आ गई, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये इसी पे बैठते हैं ज़्यादा शौक से ये, चलो बैठ जाओ आराम से, सही है ना। मैं ज़रा 2 मिनट में सफाई कर दूँ, उसके बाद फिर पकड़ता हूँ, ठीक है। पत गया आप कैसे उतारेगा, उतार किसने बोला था बिठा, नहीं उतार कैसे उतारेगा, मैं उतारूं, मैं नहीं उतार रहा ऐसे ही घूम क्या हो रहा है चल रहा, मैं उतारूं, आजा भाई हड़िया में उतार रहा हूँ, आजा भाई उतारने तो हाथ तो नीचे कर ले। ये देखो कहाँ बिठा के लेके जा रहा हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे गेट खुल जा, थोड़ा सा और पहुँच गए, उड़ता ही नहीं है ये, ऐसे कैसे उड़ गया अचानक से। हाँ इसके पर पूरे हैं लेकिन ये कहीं भी नहीं जाता। वो देखिए हमारा लका कबूतर है ना, वो उड़ गया वहाँ पे, वो बैठा हुआ, ये उड़ता है नहीं है, पता नहीं कैसे उड़ गया। चलो देखते हैं, अगर ये इसके पर पूरे हैं, मसला ये हाथ में नहीं आएगा, ये इसके पर पूरे हैं ये मसला, बस ये उड़ता नहीं है। आओ इतना दूर बैठा हुआ ना, दूसरे कबूतर इसको दिखाता हूँ, हो सकता आ जाए यार। नहीं ये वाले पिजन्स हमारे यहाँ बिठाए हैं, और वो वहाँ बैठा हुआ, वो देखें कहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी अगर नज़र पड़ जाए तो शायद वो आ जाए। बहुत दूर बैठा हुआ यार, बहुत दूर है, इसको देख के किसी तरह आ जाओ यार। यार एक तो हम कबूतर बाज नहीं, नहीं तो मैं सीटियाँ बजा के बुलाता इसको, वो सीटियाँ बजा के बहुत दूर जाके बैठा।
मुझे ही जाके देखना पड़ेगा, इरफान के तो हाथ में नहीं आ रहा। वहाँ से उड़ा दिया कबूतर, सामने बैठा हुआ है बिरयानी वाले के पास। कबूतर उड़ा दिया, हालत तो फिर कितना पसीना पसीना हो रहा है। कहाँ पे उड़ा दिया आप? कहाँ पे? एक मिनट में चप्पल पहन लूँ। इरफान ने जो है ना कबूतर उड़ा ही दिया। कहाँ पर है? ये आ गया कबूतर हमारा, ये आ गया। आप दूसरे कबूतरों को बिठा देते हैं, हो सकता है ये आ जाए। इरफान ये, हाँ ये वाला सही है, ये बिठा दे। इसको उड़ा नहीं तो वापसी अंदर ही जाएगा, क्योंकि इसकी मादा के पास जाएगा ये। ये वाला कौन सा पकड़ा? दूसरा? हाँ सही, इसके पर पूरे कहीं ऐसा ना हो ये उड़ जाए। खैर इसकी मादा ने अंडे दिए, मैं कहीं नहीं जाएगा। वो बैठा हुआ वो देख रहा, आ रहा है, आ जाएगा। आ गया। शुक्र है भाई आ गया, फाइनली आ गया यार। अब कहीं नहीं जाएगा ये, अब कहीं भी नहीं जाएगा, अब ये खुद से नीचे आ जाएंगे। ये बात लोंडे ने भाई पूरा काम कर दिया आखिरकार। इसने पता नहीं कहाँ से जाके बराबर वाले घर पे चला गया था तू भाई, वहाँ जाके इसने जो ना कबूतर पकड़ लिया। मन्ना मैं तो छोड़ कर आ गया था, मैंने बोला ये नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन आ गया। अब आ जाओ नीचे, आ जाओ। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे ना तो ये भी उतर जाएगा। आ जाओ। चलो पकड़ा, चलो अब ये भी आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। कैसे मस्त हो गया बंदर आके जो है ना बैठ गया। भाई ये इतना बड़ा क्यों फ्लाई करा था आज? पूरा जो है ना रोड वोड सब घूम कर आया ये। आ जाओ तुम कहाँ ऊपर बैठे हो? इधर आओ। चलो अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उड़ जाओ। जाओ अंदर, बाकी सारे अंदर हैं। चलो भाई अब नहीं उड़ना कहीं पे भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह एक नई अलग वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।